प्यारे दोस्तों, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि फला शख्स को वहाँ पर बहुत सारा खजाना मिला या किसी को जमीन में दबा हुआ खजाना मिला। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे इतना खजाना मिल गया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है, एक आदमी था जिसके 3 बेटे थे। जब बेटे जवान हो गए तो बाप बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हुआ तो एक दिन सख्त बीमार पड़ गया और बीमारी भी ऐसी थी जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। बाप ने सोचा कि अपनी जिंदगी में ही अपने बेटे के दरमियान अपनी दौलत का बंटवारा कर जाऊं। ये सोचकर उसने एक दिन अपने बेटों को अपने पास बुलाया और खांसते हुए कहने लगे, बेटा, जो कुछ अल्लाह ने मुझे नवाजा हुआ था, जो भी मेरी जायदाद है, वो तुम तीनों भाई बराबर बराबर तकसीम कर लो ताकि किसी के दरमियान कोई नाइंसाफी ना हो। अब दोस्तों, जो छोटा बेटा था उसके दिल में दौलत की कोई लालच नहीं थी, बल्कि वो बहुत फरमाबरदार, नेक और वालदैन से मोहब्बत करने वाला था। उसके दिल में अपने बाप की बहुत मोहब्बत थी। जबकि जो बड़े भाई थे, जब उन्होंने सुना कि बाप ने जायदाद की बात की है तो वो फौरन कहने लगे, अब्बा जान, आपने तो बिल्कुल ठीक फैसला किया है, फौरन ये काम कर दो। वक्त का कुछ भी पता नहीं है, अभी आप हमारे दरमियान मौजूद है, कल हो सकता है आप हमारे दरमियान मौजूद ना हो। लेकिन अब्बा जान, आपकी जायदाद इतनी ज्यादा नहीं है कि हम तीनों भाइयों में बट सके। अगर आप हम दोनों बड़े भाइयों को सारी जायदाद दे देते हैं तो हम अपने छोटे भाई का ख्याल रखेंगे। छोटा भाई चाहता तो एहतियात करता, लड़ाई झगड़ा करता कि बाबा की दौलत पर मेरा भी हिस्सा है। लेकिन ये बात सुनकर वो कहने लगा, आप लोग ठीक कहते हैं, आप दोनों अब्बा जान की जायदाद रख लो, दौलत रख लो, लेकिन मेरी दौलत तो मेरा बाप है जो इस वक्त बूढ़ा है। मुझे इनकी खिदमत करनी है, मुझे इनकी जिंदगी चाहिए। इसके बाद उन दोनों बड़े भाइयों ने पूरी जायदाद अपने नाम कर ली और बराबर बराबर बांट ली और उस घर से चले गए। बूढ़ा बाप प्यार और मोहब्बत से अपने छोटे बेटे को देखने लगा और कहने लगा कि बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? तू भी कुछ हिस्सा रख लेता, तू भी कुछ पैसे ले लेता, तुझे भी तो ज़रूरत है। तो छोटा बेटा कहने लगा, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, मुझे अल्लाह पाक इसका इनाम देगा। और सच में उसने अपने बाप की इतनी खिदमत की कि बीमार बाप फिर से तंदुरुस्त हो गया, ठीक हो गया। वो अपने बेटे को हर दम उठते बैठते दुआएं देता था। बेटा मेहनत मजदूरी करता और अपना और अपने बाप का पेट पालता। कई साल गुजरने के बाद जब उसके वालिद जिंदा थे तो उसे ख्वाब आया। ख्वाब में कोई नूरानी चेहरे वाले उसे नजर आई। वो उनका चेहरा तो साफ नहीं देख सकी, लेकिन वो बुजुर्ग कह रहे थे कि एक जगह एक असरफी रखी है और उस पेड़ के नीचे है, उस असरफी को तुम ले लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो ये बेटा कहने लगा, क्या उस असरफी में बरकत है? तो उन्होंने कहा, नहीं, बरकत नहीं है। तो इसने इनकार कर दिया कि मैं वो असरफी नहीं ले सकता, मुझे बरकत वाले पैसे चाहिए। दूसरी रात को भी उसको वही नूरानी चेहरे वाले अपने ख्वाब में नजर आए। उन्होंने कहा कि फला मकाम पर तुम चले जाओ, वहाँ पर 10 असरफिया मौजूद है और वो तुम्हारे लिए है। तो वो कहने लगा, क्या उन असरफियों में बरकत है? तो उन्होंने कहा, नहीं, उनमें बरकत नहीं है। तो उसने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं वो 10 असरफिया नहीं लूँगा। अब तीसरी सब भी उसको ख्वाब आया तो वही नूरानी चेहरे वाली शख्सियत खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा, फला मुकाम पर सिर्फ एक असरफी मौजूद है, लेकिन उसमें तेरे लिए बरकत है। तो ये बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने कहा, हाँ, अब ये असरफी मैं लूँगा, क्योंकि ये एक ही सही लेकिन इसमें बरकत है। अब उसने उठकर ये ख्वाब अपने वालिद साहब को सुनाया तो वालिद साहब कहने लगे, हाँ बेटा, ये ख्वाब मुझे सच लग रहा है। उन बुजुर्ग हस्ती ने तुम्हें जो जगह बताई है, तुम वहाँ जाकर वो असरफी देखो, तुम्हें ज़रूर मिलेगी। वो बेटा उस जगह पर पहुँच गया और जब उसने ज़मीन को खोद कर देखा तो वहाँ पर
वाकई में एक असरफी मौजूद थी। अब वालिद साहब की हिदायत पर वो बाजार चला गया। वहाँ से उसने एक मछली खरीदी। मछली लेकर जब वो घर आया तो जैसे उसने मछली का पेट चाक किया तो उसमें से दो लाल निकले, जिनकी कीमत हीरे से भी ज़्यादा होती है। वो लाल मछली के पेट में मौजूद थे। वालिद साहब ने देखा तो कहने लगे, वाह सुभान अल्लाह, बेटा तुझे अल्लाह ने तेरी खिदमत का क्या खूबसूरत इनाम दिया है। तो बेटे ने कहा, बेशक बाबा आपने बिल्कुल हक बात कही है। तो वो कहने लगे, जाओ बेटा इसको बाजार में किसी बड़े सुनार के पास बेच कर आओ और सही से कीमत लेना। बेटा वो दो कीमती लाल सुनार के पास ले गया। जब वो गया तो सुनार कहने लगा, ये तो बहुत ज़्यादा कीमती है, मैं इनकी कीमत नहीं लगा सकता। तुम वक्त के हाकिम के पास यानी के बादशाह के पास चले जाओ, वही तुम्हें इसकी सही सही कीमत देंगे। जब वो बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह ने वो कीमती लाल देखे तो फौरन खरीद लिए और उसको 60,000 दिनार दिए और कहा कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। दोस्तों उस जमाने में 60,000 दिनार बहुत होते थे और दिनार जो होते थे वो सोने के होते थे। पैसे लेकर वो खुशी खुशी अपने बाप के पास आ गया। अब रात में जब वो सोने के लिए लेटा तो उसको वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नजर आए और वो बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने कहा, तुम बहुत समझदार लड़के हो, एक नहायत अकलमंद और फरमाबरदार बेटे हो। तुमने जायदाद के बदले अपने बाप को चुना, तुमने वालिद साहब की खिदमत की, अल्लाह पाक ने तुम्हारी नेकी को इतना पसंद किया। उन्होंने कहा, तुम बहुत समझदार लड़के हो, एक नहायत अकलमंद और फरमाबरदार बेटे हो। तुमने जायदाद के बदले अपने बाप को चुना, तुमने वालिद साहब की खिदमत की, अल्लाह पाक ने तुम्हारी नेकी को इतना पसंद किया, तुम्हारी खिदमत को इतना पसंद किया कि तुम्हें कीमती पत्थर यानी लाल से नवाज दिया। और फिर तुमने जो असरफी चुनी थी वो बरकत वाली थी। बरकत वाले पैसों में जो बरकत होती है वो ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होती है। बरकत वाले पैसों में जो बरकत होती है वो ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होती। तुमने अकलमंदी दिखाकर अपने लिए जिस चीज़ को चुना, देख लो अल्लाह ने तुम्हें कितना नवाजा। ये तो सिर्फ दुनिया में तुम्हारे बाप की खिदमत करने पर तुम्हें इनाम मिला है और आखिरत में इससे ज़्यादा इनाम तुम्हारे लिए रखा गया है। अब जाओ अपने वालिद साहब के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो। फिर सुबह उठकर उसने अपने बाप को जब यह ख्वाब सुनाया तो बाप ने कहा, बेशक बेटा मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। तुमने इस बूढ़े बाप की जो खिदमत की है, अल्लाह पाक ने तुम्हें इन दुआओं की वजह से, तुम्हारी खिदमत की वजह से जो नवाजा है, इंशाल्लाह देखना तुम्हारे पैसों में हमेशा बरकत रहेगी। और फिर इस तरह उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया। अपने वालिद साहब की खिदमत उस वक्त भी वो करता रहा। दूसरे नौकर चाकर कभी उनकी खिदमत के लिए आगे ना बढ़ सके क्योंकि वो खुद अपने हाथों से अपने बाबा को खाना खिलाता था, उनकी खिदमत किया करता था। दोस्तों यह है वो अजीम बाप जो हरदम अपने बच्चों को दुआएं देते हैं। यह है वो तरबियत जो नज़र आती है औलादों की सूरत में। अगर बेटा बाप की खिदमत करे तो बाप को चाहिए कि दिन रात उसको दुआएं दे। और औलाद एक बात याद रखे कि अपने माँ बाप की खिदमत करे ताकि वो आपको दुआएं दे, क्योंकि माँ बाप की दुआओं से हमें बहुत कुछ मिल जाता है। और कभी भी वालदैन का दिल ना दुखाए। अल्लाह पाक हमें इन बातों को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता करे, आमीन। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।